नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप कि बच्चों आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए एक बार दोहराते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। सोचिए आप सब अपने अपने माइंड में, आई होप कि आपको अब भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पता होगा। तो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 8 degree 4 minute उत्तर से लेकर 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांश तथा 68 degree 7 minute ईस्ट से लेकर 97 degree 25 minute ईस्ट longitudes। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस चैप्टर में जो मुख्य चार बिंदु थे वो थे इंडिया लोकेशन के बारे में, इसके साइज के बारे में, इंडिया एंड द वर्ल्ड और इट्स नेबरर। तो पहले जो दो पॉइंट है वो हम कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं जो अन्य बचे दो पॉइंट है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत में जो पूरी दुनिया है उसमें भारत की क्या स्थिति है और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, और भारत में जो इन्वेडर्स आए थे वो कहाँ से आए थे, कब कब आए थे, और एक स्वेज कैनाल है उसका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार था। तो पहला पॉइंट है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज मेनलैंड इज अबाउट 30 degree, मतलब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, जो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है उन दोनों के बीच में 30 डिग्री जो है हमारे पास रेखाएं आती हैं। एक रेखा को पार करने के लिए 4 minute का टाइम लगता है, इस तरह 30 डिग्री को पार करने के लिए तो टोटल 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद आगे बोल रहे हैं कि एक भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जैसे हमने देखा था पूरी दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटने वाली जो रेखा थी उसका नाम था प्राइम मेरिडियन, जो पूरी दुनिया का समय भी निर्धारित करती है। जो हमारे भारत का समय है वो उसी प्राइम मेरिडियन से निर्धारित होता है, जिस तरह प्राइम मेरिडियन पूरी दुनिया का समय निर्धारित करती है उसी तरह भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भारत का समय निर्धारित करती है। हर एक देश की अपनी अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है होती है, अगर कोई कंट्री बड़ा है तो उसकी एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन भी हो सकती है, जैसे कि रशिया। आइए इसे मानचित्र की सहायता से देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इसमें ये 82.5 degree ये जो है ये रेखा, ये सीधी रेखा है, 82.5 degree पूर्व पर है, और यहाँ पर कहीं यूपी में एक मिर्ज़ापुर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मिर्ज़ापुर। तो उस मिर्ज़ापुर में जो है वहाँ से यह रेखा जो है वो निकलती है, जिसे कि हम बोलते हैं कि भारत की मानक यमनोत्तर, भारत का समय निर्धारित करने वाली रेखा, जो कि कितने डिग्री पर है? 82.5 degree यानी 82.5 degree पर इसे हम कहते हैं। जैसा कि आपको बच्चों बताया गया है कि 30 जो है रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर निकलती हैं, 30 जो है रेखाएं यहाँ से बनती हैं। तो इसका जो हम पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार है वो देख सकते हैं इस मैप में, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो जो भारत की जो कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और अगर इसी तरह हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखेंगे तो भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पूर्व पश्चिम विस्तार की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण विस्तार जो है वो अधिक है, क्योंकि इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। श्रीलंका जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है, जो समुद्री सीमा भारत के साथ शेयर करता है,
और जो वो शेयर करने वाली सीमा है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। एक नैरो चैनल है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, पाक स्ट्रेट है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। आगे जो एक हमारा मालदीव आइलैंड है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। मालदीव भी एक देश है, बहुत छोटा देश है, द्वीपीय देश है, हमारा समुद्री पड़ोसी देश कहलाता है। यह देखिए बच्चों, ये पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच है, नैरो चैनल है वाटर का। रामेश्वरम से यहाँ पर श्रीलंका तक जाने के लिए एक नैरो चैनल है, यहाँ पर ब्रिज भी अब बनाया जा रहा है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। और जो यहाँ लक्षद्वीप है, जो हमारा लक्षद्वीप है, इसके यहाँ साउथ में जो है मालदीव आइलैंड भी स्थित है। अब हम भारत बात करते हैं, भारत की विश्व के साथ। इंडिया जो है ईस्ट और वेस्ट के बीच में सेंटर में स्थित है, मतलब कि यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि भारत में समुद्री रास्ते के अलावा यहाँ से जो है स्थल मार्ग जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया प्राचीन समय में, और उस स्थल मार्ग से होते हुए यहाँ के वेद, उपनिषद, रामायण जो है अन्य देशों में फैले। इसके साथ साथ जो शून्य की खोज है वो भी भारत ने दी, वो भी अन्य देशों में जिसका विस्तार हुआ। जब समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज हुई तो यूरोप से भारत में आने में बहुत समय लगता था, तो इस मार्ग को कम करने के लिए स्वेज नहर के द्वारा एक रास्ता बनाया गया, जिसके कारण भारत और यूरोप का 7,000 किलोमीटर जो है वो मार्ग जो है वो कम हो गया। ये देखिए, यह स्वेज कैनाल है, यह भूमि को काट कर दो सी को जोड़ दिया गया है, जिसमें रेड सी और मेडिटेरियन सी था, दोनों को जोड़कर जो इनका सी का पानी था वो एक कैनाल में छोड़ दिया गया, और यहाँ से जो है शिप जो है वो आसानी से जाते हैं। अगर आप इस वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये स्वेज कैनाल जो है ये देखिए यहाँ पर है, और देखिए पहले भारत में यहाँ से अफ्रीका के नीचे से होकर यहाँ यूरोप पहुँचा जाता था, अब डायरेक्ट है यहाँ से स्वेज कैनाल से होकर यूरोप पहुँचा जाता है, जो कि 7,000 किलोमीटर जो है मार्ग कम हो गया है पहले की अपेक्षा। एक पॉइंट जो इसमें है हमारे पास वो है इंडियन ओशन वी इन साउथ ऑफ इंडिया गिव नेम इंडियन ओशन एज नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। मतलब कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके कि किसी महासागर के साथ बहुत लंबी समुद्री सीमा लगती हो, तो एक ही महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वह है हिंद महासागर, यानी हिंद यानी भारत इंडिया के नाम पर पड़ा है। बहुत ही गर्व की बात है, यह हमारे लिए विदेशों से बहुत सारे जो है नाविक यहाँ से सेलर जो हैं बहुत सी सामान यहाँ से लेकर गए, बहुत सा सामान यहाँ पर लेकर आए। उसमें जो है मुख्य रूप से भारत का जो मुस्लिन कपड़ा था, मलमल का कपड़ा था, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बिकता था। यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा फेमस थे जो विदेशों में उन्होंने पहुँचाए। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमारी बुक में जो आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि सबसे पहले बताया गया है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। 2004 में एक भयंकर प्रलय आई थी समुद्र में, सुनामी का नाम था उसका। उसमें जो भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट हमारे पास साउथ में टच करती जो लाइन है, हमारे पास लैटिट्यूड है, उससे भी नीचे था वो। अब वो सुनामी पानी में, मतलब कि भूकंप आना, पानी का बहुत फैलाव होना, उसके कारण वो जो है सबमर्ज हो गया, वो ख़त्म हो गया था। ये देखिए बेटा, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड की थी इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, इस तरह था ये। अब ये पानी में डूब चुका है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्वेज कैनाल के ओपनिंग के कारण। यह स्वेज कैनाल कब बनी? 1869 में।
और इसके बनने के कारण 7,000 किलोमीटर बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, और हम कह सकते हैं एशिया एंड यूरोप के बीच का रास्ता जो है वो कम हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले तो अभी का बताइए बच्चों, कितनी स्टेट है इंडिया में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सोचिए। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर को काटकर लद्दाख भी बन गया है, जहाँ पर कि आजकल थोड़ी कन्वर्सेशन चल रही है चाइना के साथ। तो 1947 से पहले दो प्रकार की स्टेट थी। पहली स्टेट थी अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिश ऑफिशल्स, जिसमें वॉयसराय राज करते थे, और दूसरी जो है प्रिंसली स्टेट थी, जो लोकल जो है अथॉरिटीज हमारे भारत की उसको चलाते थे। अब बच्चों बात आती है भारत तथा इसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए मैप में आपके सामने है जो हमारे पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद उत्तर में हमारे पास चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। और अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो हमारे पास समुद्री रास्ते से हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और ये मालदीव। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं जिनके साथ प्राचीन काल से ही हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है, कुछ बातों को छोड़कर। तो ये थी बच्चों भारत के आकार और स्थिति के बारे में, आपको पहले पार्ट में हमने जानकारी दी। आई होप कि आप भारत के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो अगर आपने ज्योग्राफी को और आगे पढ़ना है, बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने, तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्यकलाप है वह है आपने 28 के 28 राज्य जो हैं वो याद करने हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज भी याद करनी है, उनकी राजधानियाँ याद करनी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, जैसे कि इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया में कहाँ पर स्थित है। तो भारत के राज्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।